हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में आपसे कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, और ये क्लीनिंग टिप्स आपके पूरे घर के लिए हैं, मतलब आपको हर जगह हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। कई बार ऐसा होता है जैसे किचन में हम काम करते हैं तो किचन के कैबिनेट्स वगैरह पे ऑयल का काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाता है, और अगर किचन में ना भी हो तो जैसे घर के अलग अलग जगहों पर जो फर्नीचर होते हैं, खास करके डार्क कलर के फर्नीचर, उनको हम उतना ध्यान नहीं देते उनकी सफाई पर, तो उन पे निशान पड़ जाता है, जो कि साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हटता नहीं है पानी से। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, जैसे बेड वगैरह है जिसमें ग्रुप्स हैं तो उनको ग्रुप साफ़ नहीं होते, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो पॉलिश यूज़ करते हैं ना हम लोग जूते की पॉलिश करने के लिए, वो थोड़ा सा पॉलिश स्क्रैच कर लीजिए किसी भी बर्तन में, और उसमें चाय पत्ती उबाल के थोड़ी सी, मतलब 5-6 चम्मच चाय पत्ती उबला हुआ पानी और पॉलिश मिला के अच्छी तरह साफ़ करिए, पूरा चमक जाएगा फर्नीचर। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर फर्नीचर डार्क कलर का है तो जो मेयोनीज वगैरह खाते हैं तो वो लगा के छोड़ दीजिए कुछ घंटे और साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल चमक जाएगा फर्नीचर। और अगर फर्नीचर लाइट कलर का है तो उसकी क्लीनिंग में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जिस चीज़ से साफ़ कर रहे हैं उसी का निशान पड़ जाए। तो लाइट कलर के फर्नीचर को साफ़ करने के लिए डीजल की कुछ बूंदें ले लीजिए, उसको कॉटन बॉल में सोक कर लीजिए अच्छी तरह से, और कॉटन बॉल में डीजल को सोक करके जहाँ जहाँ दाग धब्बे निशान है फर्नीचर पे, वहाँ वहाँ हल्का हल्का रब कर दीजिए गुलाई में, पूरा फर्नीचर साफ हो जाएगा। आप इसे पॉलिश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में कुछ येल्लो टाइप के दाग पड़ जाते हैं जो कि आसानी से नहीं हटते हैं, चाहे आप कितनी बार भी फ्रिज साफ़ करें, वो स्टबन टाइप के दाग होते हैं वो हटते नहीं हैं। तो उसके लिए आप एक तरीका कर सकते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक, नींबू और सिरका, ये चारों चीज़ें लीजिए, इनका घोल बना लीजिए, और किसी स्पंज या स्क्रब की सहायता, सॉफ्ट स्क्रब होना चाहिए, उसकी सहायता से फ्रिज में जहाँ जहाँ निशान हो वहाँ वहाँ रब कीजिए, फिर कुछ देर बाद साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फ्रिज में कई बार ऐसा होता है कि स्मेल ट्रैप हो जाती है, एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में आ जाती है, और वो ऐसा लगता रहता है कि फ्रिज में हर एक चीज़ में एक ही टाइप की स्मेल आ रही है, और वो काफ़ी अनप्लीजेंट से लगती है। तो उसके लिए हम नींबू के टुकड़े काट के फ्रिज में अलग अलग जगहों पर डाल सकते हैं, फ्रीज़र में डालने की ज़रूरत नहीं है। और नींबू के टुकड़े ना हो तो बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं, ये भी स्मेल को रिमूव करेगा, फ्रिज में फालतू की स्मेल जो होती है, एक दूसरे खाने की स्मेल ट्रैप हो जाती है, वो नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर बंद करके जाते हैं कहीं एक आध दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी, तो घर में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, कीड़े वीड़े इधर उधर पनपने लग जाते हैं, मक्खी मच्छर। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, घर में जहाँ पे भी लिविंग एरिया, जो भी एरिया हो, वहाँ पर आप नीम के कुछ पत्ते न्यूज़ के पेपर के ऊपर डाल दें और घर बंद करके चले जाएँ। आप जब लौटेंगे तो आपको घर में से कोई बदबू नहीं आएगी, ना मक्खी मच्छर, कुछ नहीं ऐसा लगेगा आपको। कारपेट पे अगर दाग धब्बे पड़ जाएँ तो उसको सफाई करना मुश्किल हो जाता है, और या तो हम अच्छी तरह से सफाई बाहर से करवाते हैं, उसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, और घर में डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ज़्यादा दिन अगर सफाई ना करें तो स्मेल आने लग जाती है, जो कि पूरे घर के माहौल को ख़राब करती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे पूरे कारपेट पर अच्छी तरीके से बेकिंग सोडा पूरा स्प्रेड कर दीजिए, छिड़क दीजिए, और बेकिंग सोडा छिड़कने के बाद 1 से 2 घंटा आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर ज़्यादा स्मेल आपको लग रही है तो आप ये कर सकते हैं, ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं, जो बेकिंग सोडा आपने कारपेट पे छिड़का है, और सुबह सुबह इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल ही नए जैसा हो जाएगा कारपेट, और जो भी स्मेल आ रही थी या दाग धब्बे सब हट जाएंगे, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। और लोहे के बर्तन को साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वैसे हेल्थ वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लोहे का बर्तन में खाना बनाना, लेकिन इसको साफ़ करना वैसे ही टफ़ है, कुछ टाइम बाद इसमें जंग जैसे लगने लग जाता है अगर यूज़ ना करें तो। तो इसको साफ़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं, कटोरी में नमक ले लीजिए, और नमक में थोड़ा सा आप चाहें तो नींबू का रस निचोड़ लीजिए, और इसे किसी स्टील के स्क्रब की सहायता से अच्छी तरह रगड़िए, फिर बाद में डिश वॉश लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हो उससे साफ़ कर लीजिए, लोहे की कढ़ाई बिल्कुल नई की तरह चमक जाएगी। कई बार ऐसा होता है जैसे कि बर्तनों पे, जैसे कि फाइबर वगैरह की प्लेट्स होती हैं या स्टील के बर्तनों पे भी इवन हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं, जो कि बहुत अजीब से पीले पीले से लगने लग जाते हैं, खास करके वाइट प्लेट्स पे।
तो उसके लिए आप जैसे कि जो भी लिक्विड डिश वॉश वगैरह यूज़ करते हैं उसमें विनेगर ऐड करके इसको साफ़ कीजिए, बिल्कुल स्मेल भी चली जाएगी और दाग धब्बे भी। और इसी तरह आप किचन के सिंक की सफाई कर सकते हैं, किचन का सिंक अगर गंदा हो अच्छा नहीं लगता, इस पर हार्ड वाटर स्टेन्स भी काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं, तो नल और सिंक की सफाई के लिए जो हम विनेगर ये खाने वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बाकी विनेगर तो आपको पता ही है, वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका ले लीजिए, और इसमें बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा मिला लीजिए और इसे पूरे सिंक को रब कीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। और आधे से एक घंटे छोड़ने के बाद आप इसे अच्छी तरह से किसी स्क्रब से रब कर लीजिए और पानी से सिंक धोने के बाद उसे किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, आपका सिंक बिल्कुल नए की तरह चमक जाएगा और सारे हार्ड वाटर स्टेन्स वगैरह हैं सारे साफ़ हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है किचन की टाइल्स या किचन के काउंटर टॉप वगैरह पे कुछ ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो कि आसानी से नहीं साफ़ होते, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो थिनर होता है थोड़ा सा कटोरी में लेके उससे टाइल और स्लैब को रगड़िए, अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। ये थे मेरे कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स जो आपके पूरे घर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।